क्या 2019 से पहले एनडीए में सेन लगाने में कामयाब हो पाएगी ममता? क्या बीजेपी के खिलाफ ममता को मिलेगा शिवसेना का साथ? मिशन 2019 से पहले बीजेपी के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए जहां तमाम विपक्षी दल लामबंद हो रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में भी सेन लगाने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश में लगी पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अगले साल जनवरी में होने वाली रैली में शामिल होकर बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंकने का ऐलान कर दिया। सूत्रों की माने तो शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि ममता की रैली में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। इससे पहले ममता बनर्जी ने दिल्ली में शिवसेना के नेता संजय राउत से मुलाकात कर अगले साल 19 जनवरी को आयोजित होने वाली रैली में शामिल होने के लिए ठाकरे को न्योता दिया। ममता ने शिवसेना के अलावा बीजेपी के उन नेताओं से भी मुलाकात की जो इन दिनों अपनी पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। इस फेरिस्त में शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा का नाम प्रमुख है। बताया जा रहा है कि टीएमसी की इस रैली का उद्देश्य 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को बीजेपी विरोधी गुट के नेता के तौर पर पेश करना है। आपको बता दें कि साल 2016 में शिवसेना के सांसदों ने टीएमसी के साथ नोटबंदी के खिलाफ राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया था। इसके बाद ठाकरे और ममता बनर्जी लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। पिछले साल नवंबर में ममता और उद्धव ठाकरे की मुंबई में मुलाकात भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, शिवसेना के 52वें स्थापना दिवस के मौके पर ममता बनर्जी ने ट्वीट करके बधाई भी दी थी। लेकिन अब जिस तरह से शिवसेना ने ममता की रैली में शामिल होने का ऐलान किया है, उससे साफ है कि शिवसेना अब बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।